तो हेलो फ्रेंड्स, इस साड़ी पे बहुत ज़्यादा ऑयली स्टेन थे, तो ये बहुत से स्टेन हमने रिमूव कर लिए हैं। मोस्टली हमने चॉक यूज़ किया था ऑयली स्टेन, क्योंकि ये जो पानी में जाते हैं तो दिखते नहीं हैं, और कोई भी इसका स्पेसिफिक मटेरियल नहीं है सिवाय इसके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क है। ये साड़ी मैंने रोल प्रेस नहीं की है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसी मैंने लगाई है। इसे रोल प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसे रोल प्रेस नहीं की है, इसे स्टीम आयरन करूँगा मैं। तो ये ऑयली स्टेन बहुत ज़्यादा स्टेन थे, अभी कहीं पे एक आध दो रह गए होंगे जहाँ पे मैंने चौक नहीं यूज़ किया, वहाँ पे शायद रह गए होंगे, लेकिन अभी तो मुझे दिख नहीं रहे हैं स्टेन, ऑयली स्टेन। तो फ्रेंड्स, चौक जो होता है वो ऑयल को सोख लेता है, फिर उसके बाद में जब हम उसे वॉश करते हैं तो चौक का जो डस्ट होता है उसके साथ में ऑयली स्टेन भी इजीली रिमूव होता है। तो ये ट्रीटमेंट हम सिल्क को यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक को यूज़ कर सकते हैं, शिफॉन का मटेरियल हो तो भी यूज़ कर सकते हैं, चॉक स्क्रबिंग करके ऑयली स्टेन रिमूव करना। तो फ्रेंड्स, ये एक्सपेरिमेंट था आपके लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो। मैं इसी रेगुलरली डेली वीडियोज अपलोड करते रहता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।